हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रितिका दुर्गापाल फ्रॉम माय चैनल रितु व्लॉग्स। एंड आपको जैसे टाइटल से ही पता चल गया होगा, आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ, इफ़ यू लॉस्ट एनी ऑफ योर लगेज हाउ कैन यू क्लेम इट बैक। जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग चेक किया होगा, तो रिसेंटली आई हैड ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू अबिजान, एंड वाइल लैंडिंग ऑन अबिजान आई केम टू नो दैट आई हैड लॉस्ट वन ऑफ माई बैग। सो आई हैड क्लेम दैट बैग अगेन। सो वॉट इज द प्रोसीजर ऑफ दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। सब एयरलाइंस का प्रोसीजर्स अलग अलग होता है, एवरी कंट्री प्रोसीजर इज डिफरेंट, बट आई थिंक सम वॉट इट विल बी सिमिलर। तो एक आइडिया आ जाएगा आपको कि अगर आपने कोई बैग मिस आउट कर देते हैं तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से व्लॉग बिगिन करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, जब आपका लगेज चेकिंग हो रहा है तब आपके बोर्डिंग पास पे इस तरह के टिकट्स लगाई जाती है जिसको आपको संभाल के रखना होता है, बिकॉज लैंडिंग के टाइम पे जब आप अपना लगेज कलेक्ट कर रहे हैं तो इस पे एक नंबर होता है जिससे वो लोग आपका क्रॉस चेक करते हैं कि ये लगेज आपका ही है कि नहीं है। कर रहे हैं तो यू हैव टू वेट अनलेस एंड अनटिल सारे लगेज बाहर आ जाते हैं, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू चेक ऑल थ्रू कि आपका लगेज आया है कि नहीं। अनलेस अगर आपका लगेज नहीं आ रहा है तो यहाँ पे टिकट्स पे अलग अलग नंबर्स दिए गए होते हैं बैगेज के आपके, तो आपका जो बैग आ गया है उनके साथ में ये मैच होते हैं। एंड जो मिस आउट होता है वो आपको चेकआउट करना है कि आपका कौन सा लगेज मिस आउट है, बिकॉज दिस इज द ओनली वन थिंग जो आपका लगेज आपको वापस से दिला सकता है। सो मेरा एक ये वाला टिकट था जिसका लगेज मिस आउट था, सो वहाँ पे एक पर्सन रहता है जो आपका ये क्रॉस चेक कर रहे होते हैं कि वो बैगेज आपके ही है कि नहीं है। सो आपको उनको बताना है कि दैट वन ऑफ योर बैगेज इज मिसिंग, सो दे विल सेंड यू टू द बैगेज ऑफिस। वहाँ पे एक काउंटर होता है जहाँ पे जाके हमें एक कंप्लेन लिखवानी होती है, दे फिल द फॉर्म, उसके अंदर सारी डिटेल्स होती है रिगार्डिंग व्हेन योर जर्नी हैज बीन बिगेन, आपका बैग कौन से साइज का था, व्हाट वाज द कलर ऑफ द बैग, यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं लोकली, योर लोकल नंबर, देन अदर फॉर्मेलिटीज विच वर योर कनेक्टिंग फ्लाइट्स एंड अदर थिंग्स दे कैन आस्क यू। सो ऑल द डिटेल्स दे विल फिल इन द फॉर्म एंड गिव यू वन रिसिप्ट, दैट रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी है। दे विल आस्क यू कॉल अस टुमारो और डे आफ्टर टुमारो व्हेन द फ्लाइट इज शेड्यूल्ड, एंड वो रिसिप्ट के बाद आपको बताएंगे कि आपको कब कॉल करके पूछ लेना है उनको, या तो वो आपको कॉल करके बता देंगे कि आपका ये बैगेज आ गया है। एंड इन सम केसेस दे डायरेक्टली डिलीवर टू योर होम, सो इन माई केसेस दे आस्क मी टू कॉल डे आफ्टर टुमारो एंड आस्क। सो वी हैड कॉल डे आफ्टर टुमारो बट द फ्लाइट वॉज नॉट शेड्यूल्ड, दैट इथोपिया ड्यू टू कोविड द फ्लाइट्स आर नॉट रनिंग रेगुलरली। सो ऑन मंडे आई हैड कॉल्ड and on Monday they told me that your luggage is here, you can come and collect anytime. So after going at airport we have certain formalities and we have to carry certain documents. What are the documents that we have to collect karne ja rahe hain, tab bhi aapko thode documents aapke sath mein rakhne hote hain. The first is the your boarding pass jiske piche aapki ye tickets lagi hongi wo, second your passport, थर्ड इज जो रिसिप्ट आपको कंप्लेन के टाइम पे दी गई होगी वो रिसिप्ट। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके यू हैव टू गो टू कलेक्ट योर लगेज। सो ऑन मंडे अभी हम बैगेज कलेक्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज कॉल करके हमने कंफर्म कर लिया था कि हमारा बैगेज आ गया है। सो जस्ट वी आर गोइंग देयर। सो जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं काउंटर पे आप दिखाते हैं अंदर जाने के लिए, तो दे विल सेंड यू टू वन ऑफिस, नास करके एक ऑफिस है जहाँ से आपको एक बोर्डिंग पास कलेक्ट करना होता है। तो वहाँ पे हम रिसिप्ट दिखाएंगे तो वो आपको एक पास बना कर देगा जिससे आप अंदर एंट्री दे सकते हैं। एंड द थिंग इज़ कि आप अलोन जा सकते हैं, आपके साथ में कोई भी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक रिसिप्ट बना कर दे रहे हैं। और बस ये रिसिप्ट दिखा के हम अंदर हमारा बैगेज लेने जा सकते हैं। सो वहाँ पे मैं अकेली जा सकती थी, माय हस्बैंड वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। उस पर बस नाम लिखा है एंड वो जो रिसिप्ट का नंबर है वो लिखा है। सो यहाँ पे बाहर आपका पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास ये लोग यहीं पे रख लेंगे, एंड देन दे विल प्रोवाइड यू आर आईडी कार्ड जिससे आप अंदर जाके अपना बैगेज चेक कर सकते हैं। सो बस आपको अपना बैगेज कलेक्ट करना है, वहाँ पे एक साइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपको नंबर एंड साइन करना होता है, दैट्स इट। और इसका ये भी होता है कि आप कई कई एयरलाइंस जो होती है वो आपको क्लेम भी देती है जितने दिन डिले हुआ होता है उसका। सो अगर आप चाहें तो कस्टमर केयर में कंप्लेन भी डाल सकते हैं, एंड यू कैन क्लेम इफ़ यू हैव सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर बैग। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट इज़ यूजफुल टू यू। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे सेफ़।